नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। दिस इज श्रद्धा। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे फेस्टिवल हैक्स, आपने कभी नहीं देखे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, अफोर्डेबल है और आप भी ट्राई कर सकते हैं, मिनटों में बन सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे वीडियोज प्लान किए हैं। दिवाली के पहले मैं एक लिविंग रूम मेकओवर और एक बेडरूम मेकओवर भी लेकर आने वाली हूँ। आई नो बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर सकूँ। Now, without any delay, let's jump into the video. फर्स्ट हैक है एथनिक फ्रेम्स। ये एक ऐसा आइडिया है जो सब लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डीआईवाई करते नहीं आता या टाइम इश्यूज है, तो बस आपको चाहिए प्लेस मैट्स। मैंने ये कच वर्क वाले प्लेस मैट्स लिए हैं। आप नॉर्मल फ्लोरल प्रिंट वाले प्लेस मैट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एथनिक फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए। और यहाँ मैंने फ्रेम का इस्तेमाल किया है जो फोटो फ्रेम पिक्चर फ्रेम होता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डबल साइड टेप स्टिक करके। बस ये प्लेस मैट्स को स्टिक कर देना है और आपके पास सुंदर से एथनिक स्टाइल वाले फ्रेम्स तैयार होंगे जिसे आप वॉल पर हैंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेम्पररी हैक है, बाद में आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और जैसे प्लेस मैट को यूज करते हैं वैसे यूज भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जुगाड़ बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। जिन्हें घर में इंडोर प्लांट्स रखने का शौक है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भी ग्लास बॉटल या जार्स का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स रखने के लिए तो उसको कवर करिए उन्हीं प्लेस मैट्स से, जो भी प्लेस मैट्स आपके पास अवेलेबल हो। बस एक साइड को दूसरे साइड पर स्टिक कर देना है डबल साइड टेप से और चुटकियों में बन जाएगा आपके पास एथनिक स्टाइल वाला प्लांटर। ओके, जो थर्ड हैक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते होंगे, कभी कभी हम ज्यादा स्टाइलिश बनने के चक्कर में बेसिक सिंपल सुंदर दिखने वाली चीजों को भूल जाते हैं। बस वही मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई शेल्फ एरिया है जहाँ पे आपने शेल्फ लगा रखा हो या एंट्रेंस एरिया ही क्यों ना हो, आप वहां पे हैंग करिए वो गेंदों के फूलों की माला जो दिवाली पे बेस्ट होती है, हर किसी को इजिली मिल जाती है, और स्ट्रिंग लाइट्स से उसे जगमगाइए। ओके, ये सेम आइडिया आप किसी पेंटिंग एरिया के साइड में भी कर सकते हैं। बस कोई बड़ी सी पेंटिंग हो वहां पे आप इसे हैंग कर सकते हैं, नहीं तो कर्टन्स के साइड में भी इस तरीके का डेकोर आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दैट गेंदों की माला एंड स्ट्रिंग लाइट्स। मूविंग ऑन, फोर्थ हैक जो है वो बहुत यूनिक है, अब तक का सबसे ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग हैक है जो मैंने अभी तक शेयर किया। आई डोंट थिंक सो कि आपने ऐसा कभी देखा होगा। अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपको क्या चाहिए, पीतल की थाली, स्ट्रिंग लाइट और डबल साइड टेप या सेलो टेप, और बस इस स्ट्रिंग लाइट को उनके एजेस में स्टिक कर देना है। पीतल की थाली नहीं है तो आप स्टील प्लेट या प्लास्टिक प्लेट पुरानी जो है उसे गोल्ड स्प्रे पेंट करके भी तैयार कर सकते हैं, और इसे वर्टिकल पोजीशन में किसी भी कॉर्नर में रखना है, चाहे स्टूल हो या टेबल ही क्यों ना उस पर, और उसके सामने कोई भी गॉड गॉडेस का फिगरीन रख दीजिए, बहुत प्यारा लगता है। और इसे हाइट देने के लिए मैंने इस बॉक्स का इस्तेमाल किया है। नाउ यू कैन सी द मैजिक। ओके, दिस आइडिया इज पर्टिकुलरली फॉर डाइनिंग टेबल, लेकिन मैं आपके साथ कॉफी टेबल के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको चाहिए बढ़िया सा रनर। यहाँ मैंने अगेन कच वर्क वाला रनर ही इस्तेमाल किया है, ये मैं जनपथ मार्केट से लेकर आई थी। देन आई एम गोइंग टू यूज दिस सिल्वर ट्रे बिकॉज गोल्डन सिल्वर और जो पीतल वाला कलर होता है कॉपर कलर, दीज आर फेस्टिव कलर्स। और आपको फ्रेग्रेंट कैंडल चाहिए, कुछ गेंदों की माला चाहिए ताकि आप इस तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर सके। अब यहाँ दूसरा हैक ये है कि ये जो टेराकोटा बोल्स है आप सूप बोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे मैं बनाने वाली हूँ सक्यूलेंट पॉट, आप कैंडल होल्डर की तरह भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें बीन्स फिल करके मैंने आर्टिफिशियल सक्यूलेंट्स ऐड कर दिए हैं, बीन्स ना हो तो आप राइस भी ऐड कर सकते हैं। अब बस फ्रेग्रेंट कैंडल के साथ आप कुछ फ्लावर्स, फेक हो चाहे ओरिजिनल, रख दीजिए और आपके पास एक न्यू टेबल सेटिंग तैयार होगी, और उस डाइनिंग टेबल को आप डेकोरेट करने के साथ साथ यूज भी कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं दिखा रही हूँ कि आप अपने सोफे या काउच को भी एक एथनिक स्टाइल में स्टाइलिश बना सकते हैं, कैसे, रनर का इस्तेमाल करके। अगेन मैंने वही टेबल रनर का इस्तेमाल किया है, कच्छ वर्क वाले का। आपके पास जो भी टेबल रनर हो, अगर वो थोड़ा एथनिक स्टाइल में हो तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इट्स फेस्टिवल टाइम। तो बस इसे कॉर्नर में थ्रो की तरह प्लेस कर देना, इट्स गोइंग टू लुक सुपर्ब। ओके, नेक्स्ट ये हैक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ये पीतल वाले ग्लासेस का इस्तेमाल किया है कैंडल होल्डर के लिए। इनका बेस काफ़ी ज़्यादा ग्रूव है इसके अंदर, तो कैंडल आराम से फिक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप प्लास्टिक के ग्लास को स्प्रे पेंट करके भी बना सकते हैं। ब्रिंगिंग हियर द लास्ट हैक, और अगेन मैं टेबल सेटिंग ही शेयर कर रही हूँ। आपको अपनी क्रॉकरी यूनिट से कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली क्रॉकरी निकालना है, जैसे यहाँ मैंने प्लेट निकाल कर रखी है। और उसके बाद यहाँ मैं फेक गजरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें आप रूम फ्रेशनर वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो आप ओरिजिनल फ्लास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्लास के अंदर इस तरीके से फिक्स करके ग्लासेस को इन्वर्टेड पोजिशन में रखना है, ताकि आप उसके बेस को कैंडल होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकें। यहाँ मैंने वाइट कलर इस्तेमाल किया, आप कलरफुल फ्लास्क भी इस पर इंसर्ट कर सकते हैं। देन आई एम यूजिंग दीज बोल्स, आइसक्रीम बोल्स, इसको हम बनाएंगे कैंडल होल्डर। पानी फिल कर देना है और सिंपल फ्लोटिंग कैंडल्स ऐड कर दीजिए, फ्रेग्रेंट हो तो बेटर होगा। और देखिए कितना सिंपल है लेकिन लुक सो क्लासी। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग हैक्स पसंद आए होंगे कि कैसे आप अपने घर को फेस्टिव रेडी बना सकते हैं मिनटों में, वही चीज़ों से जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ना ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ज़्यादा मेहनत है, लेकिन आपका घर चमकेगा। अगर आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।